मैं प्रिय रंजन और आप देख रहे हैं मार्केट साइंटिस्ट। आज के इस एपिसोड में हम डिस्कस करने वाले हैं वेदांता स्टॉक के बारे में। रिसेंट में ही हमने एक बार इसको कवर करा था, अगेन कुछ अपडेट्स आए हैं उसको देखेंगे, आगे के ट्रेंड को समझेंगे और ऑलरेडी अगर इन्वेस्टेड हैं तो आपको क्या करना चाहिए, यहाँ से एवरेज करें या फिर वेट करें, सभी पॉइंट्स को काफी आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे। तो एपिसोड में लास्ट तक बने रहें, आगे बढ़े एपिसोड में। इससे पहले प्रीमियम टेलीग्राम बिल्कुल फ्री है, उसको ज्वाइन करके डिस्क्रिप्शन के लिंक से चाहे तो अकाउंट ओपन कर लें अगर आपको हमारे साथ ऑप्शन ट्रेडिंग करनी हो तो। यहाँ देखेंगे ऑलरेडी हमने देखा है कि पिछले 5 डेज में स्टॉक के अंदर मोर देन 10% की गिरावट दिखी है और मैंने हमेशा इस बात को रिपीट करा है, जब स्टॉक शॉर्ट टर्म यानी 1 से 3 दिन में 10% से ज्यादा की गिरावट दिख रही हो तो उस स्टॉक को शॉर्ट टर्म में बाइंग करने से बचना चाहिए। हो सकता है यहाँ किसी ने 248.49 पे खरीदा और उसको 252 पे बेच के कुछ प्रॉफिट बना लिया, लेकिन ये एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग नहीं है। मैं हमेशा इस बात को कहूंगा कि ऐसे शॉर्ट टर्म जो लोअर प्राइस है उसको पकड़ने से आपको बचना चाहिए। कुछ बड़े अपडेट्स दिखे हैं, जो रिसेंट के अपडेट्स हैं उसको मैं थोड़ा यहाँ पॉइंट आउट कर दूं और उसके बाद कल के क्या अपडेट्स हैं उसको भी समझेंगे। पहला अपडेट ये रहा था इसके डेट को लेकर के, जहां बात चल रही थी कि अडानी की तरह यहाँ भी बड़ा ब्रेकडाउन दिखेगा। उसके बाद बैंकिंग जो लोन दे रखा है वेदांता को, वेदांता रिसोर्स के डेट कंसर्न पे कि इतने बड़े डिविडेंड दे रहा है जिसको लेकर के बैंक ने कंसर्न दिखाया था। इसके बाद की न्यूज ये दिखी थी कि जो चीप है, चीप को लेकर के जो हमने देखा था फॉक्सकॉन के साथ जो डील करार हुआ था वो कैंसिल होते दिखा, यहाँ से भी एक बुरी खबर आई। इसके बाद खबर ये रहा था कि प्रमोटर ने अपने होल्डिंग से 13 करोड़ शेयर बेचे थे, सेल करे थे। तो इस समय जितनी भी न्यूज है सभी निगेटिव ही दिख रही है, जबकि इन सभी निगेटिव न्यूज के बीच में जो अनिल अग्रवाल जी हैं, फाउंडर हैं इस कंपनी के, वो हमेशा बोल्ड और स्ट्रॉन्ग अपने बयान देते दिख रहे हैं। लेकिन वही बात है कि बातों से पेट नहीं भरता, पेट भरने के लिए आपके पास दाना होना चाहिए। वैसे ही बड़ी बातें करने से कंपनी नहीं चलती है, कंपनी चलने के लिए आपके जो बैलेंस शीट है वो काफी स्ट्रॉन्ग होने चाहिए। तो इस समय सभी जो न्यूज दिखी सभी निगेटिव दिखी है। और इसी बीच में देखेंगे तो एक बड़ी खबर ये दिखी है कि वेदांता ने जॉन साल्विन को, यहाँ देखें तो जॉन साल्विन को एज अ सीईओ एल्युमिनियम बिजनेस के लिए हायर करा है और स्टीफेन मोरी को डिप्टी सीईओ क्रेन ऑयल के लिए हायर करा है। ये एक बड़ी न्यूज रही, हालांकि इस न्यूज का मुझे नहीं लगता कि प्राइस पे कुछ इम्पैक्ट होते दिखेगा। और यहाँ ऑलरेडी हमने देखा था कि प्रमोटर जो है वो लगभग जो है 4,000 करोड़ के आसपास के फंड को रेज करा है और जेपी मॉर्गन इसके बायर रहे हैं। और इस स्टॉक के अगर रिजल्ट को आप देखेंगे तो पाएंगे कि इसके जो सेल्स हैं वो कंटिन्यूअस पिछले लगभग 5-7 क्वार्टर से कंसोलिडेट फॉर्म में ही दिख रहा है और नेट प्रॉफिट देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में कुछ गिरावट ही देखने को मिली है और पिछले 2-3 क्वार्टर से कंटिन्यूअस कंसोलिडेट फॉर्म में दिख रहा है। और इसी बीच में जो कंपनी के डेट हैं, क्योंकि इस समय इंटरेस्ट रेट हाइक होते दिख रहा है और जो डेट वाली कंपनियां हैं उस पर ज्यादा कंसर्न होते दिखेगा, और यहाँ देखेंगे तो इसके डेट जो है वो पिछले क्वार्टर से इंक्रीज होते हुए दिखे और जो रिजर्व है वो घटते हुए दिखा, और ये भी एक रेड फ्लैग है। और इसके साथ ही अगर इस स्टॉक के होल्डिंग पैटर्न्स को आप देखेंगे तो पाएंगे कि प्रमोटर की होल्डिंग तो थोड़ा बहुत घटी है 3 क्वार्टर में, लास्ट क्वार्टर से एज इट इज है, लेकिन यहाँ देखेंगे तो एफआई और डीआई ने भी अपने होल्डिंग को डिक्रीज करा है और ये होल्डिंग कहाँ गई, पब्लिक के पास। तो ये सभी न्यूज तो इस समय निगेटिव ही दिख रहा है और इस निगेटिव न्यूज में आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए होप के साथ ट्रेड कर रहे हैं तो बिल्कुल बचना चाहिए। मैं हमेशा डिसिप्लिन ट्रेडिंग और एक सिस्टमेटिक ट्रेडिंग में बिलीव करता हूँ। यहाँ देखेंगे तो टेक्निकल ट्रेंड्स काफी वीक रहे, जो डिलीवरी है
वो डिलीवरी बेटर इसीलिए दिख रही है क्योंकि लंबे समय से जो फंसे हुए हैं वो एवरेज आउट करते दिख रहे हैं। इस समय स्टॉक के प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करेंगे। जब भी स्टॉक में हायर लेवल से ब्रेकडाउन होता है, हमने लास्ट टाइम भी कहा था, इसका 50% अगर रिटेस्ट करे मतलब क्या है कि ये ट्रेंड अगेन अपर साइड जाएगा, लेकिन अगर 50% से ब्रेकडाउन हो मतलब क्या है कि मोस्ट प्रोबेबली ये लोअर प्राइस को टच करते दिखेगा। तो पहला यहां से क्या दिखा, यहां से अपने को पहला वीकनेस दिखा। इसके साथ देखेंगे तो इस समय स्टॉक का जो ट्रेंड है, यहाँ देखेंगे जो ट्रेंड है वो लोअर लो लोअर हाई का दिख रहा है, इसीलिए हमने कहा था कि मिनिमम 292 के लेवल को ब्रेकआउट करने दे, 284 और 92 का, यहाँ से जो भी रेजिस्टेंस है वो हटते दिखेगा और ये ट्रेंड 340 और इसके बाद यहाँ भी एक ब्रेकआउट हो जाएगा और ये ट्रेंड आपको हायर प्राइस तक के दिखेंगे। तो यहाँ बिल्कुल ऐसा नहीं दिखा, जो यहाँ से सपोर्ट कंटिन्यूअस दिख रहा था ये सपोर्ट भी ब्रेकडाउन हुए और इस समय मोस्ट प्रोबेबली जो दो सपोर्ट है 242 और 200, ये दो जोन, पहला जोन तो ऑलरेडी रिटेस्ट कर लिया है, अगर इस जोन को ब्रेकडाउन करता है तो 200 तक के लेवल्स भी दिख सकते हैं। तो इस समय बिल्कुल इस स्टॉक को करेंगे इग्नोर। अगर आप हायर लेवल के बायर भी हैं तो या तो इस लेवल को ब्रेकआउट करने दें 300 के लेवल को, या फिर इस लेवल का वेट करें। शॉर्ट टर्म ट्रेडर भी लॉन्ग करने से बचे, यहाँ ट्रेंड लाइन को ब्रेकडाउन करने के बाद आया है, यहाँ थोड़ा बहुत कंसोलिडेट करके प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनाए तब लॉन्ग करेंगे, इस समय बिल्कुल आपको बचना चाहिए।